आतंकवादियों द्वारा गैर कश्मीरियों की लक्षित हत्याओं की हालिया घटनाओं के बाद कश्मीर के श्रीनगर से प्रवासी श्रमिकों का एक समूह रवाना हुआ। एक प्रवासी कहते हैं, यहाँ स्थिति खराब हो रही है, हम डरे हुए हैं, हमारे साथ बच्चे हैं और इसलिए अपने गृह नगर वापस जा रहे हैं। बिहार से 1 महीना 10 दिन हमारे काम खत्म हो चुके, हम निकल रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे काम खत्म होने के कारण हम जा रहे हैं 15 साल से। नहीं, कुछ नहीं हुआ हमको आज तक। नहीं, बिल्कुल हमारे पास सपोर्ट रहा हमको, हम खेत में काम करते रहे, हमको कुछ कोई परेशानी नहीं हुई आज तक। मेरा नाम भूपराम ईपी, इधर 8-10 साल हो गए काम करते। कुल भाई साहब बिल्कुल कोई बात ही नहीं थी, बड़े अच्छे लोग थे इधर के, बहुत ही अच्छे। जब भी हम काम करने को आते थे इधर, है ना, और उससे पहले आप पता नहीं क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो मतलब हम जब हड़ताल होती थी हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमने बराबर काम करा था। नहीं हमसे किसी ने कहा कि भाई तुम कैसे रेड़ा निकाल रहे हो, नहीं निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं। और अब तो ये कुछ दिनों से ऐसी आफत पड़ गई है कि लोगों को हमको डर ही इतना लग रहा था। इस समय तो साहब मैं चना मूंगफली कर रेड़ा लगा रहे थे। हाँ जी, अब वो दम ये दुर्घटना बढ़ रही थी तो साहब जो डर लग रहा था, डर के वजह से वो हमारे जो हमारे जो पड़ोस के जो लोग थे ना, उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा तुम घर जाओ। वो यही कहते थे एक दो दिन देख लो, अगर ये शांत हो जाए तो काम कर लिया। जी मेरा नाम हरनंदन है जी, मैं जिला रामपुर से। मुझे तो लगभग ऐसे ही हुआ है 1.5 महीने के करीब। नहीं, मेरे भाई लोग रहते थे, अब ये परेशानी की वजह से जा रहे हैं, इधर लोग मारने लगे।